मोदी सरकार सुरक्षा को लेकर कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती, इसलिए भारत ने रूस के साथ एक बड़ी डील फाइनल कर ली है। जानकारी के मुताबिक रूस के साथ परमाणु ताकत से लैस 3 पनडुब्बियों की डील फाइनल हो गई है। भारत और रूस ने गुरुवार को अकुला क्लास की 3 पनडुब्बियों की डील को सील किया है। इन पनडुब्बियों को चक्र 3 के नाम से जाना जाएगा। ये पनडुब्बियां साल 2025 तक इंडियन नेवी को मिल जाएंगी। सेना की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अगर यकीन करें तो ये पनडुब्बियां 10 साल तक के लिए इंडियन नेवी को मिलेंगी। दोनों देशों के बीच एक अंतर सरकार समझौता साइन हुआ है। कई माह तक डील की कीमत और दूसरी बातों को लेकर दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता हुई। ये तीसरी पनडुब्बी है जो रूस की ओर से इंडियन नेवी को मिलेगी। रक्षा मंत्रालय की ओर से डील के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया गया है। भारत हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को कम करने की कोशिशों के तहत नौसेना को ताकतवर बनाने में लगा हुआ है। इंडियन नेवी ने पहले ही रूस से 2 पनडुब्बियों को लीज पर लिया हुआ है। भारत ने साल 1988 में पहली रूसी परमाणु पनडुब्बी ली थी, जिसे 3 साल की लीज पर दिया गया था। इसे INS चक्र के नाम से जाना गया था। इसके बाद साल 2012 में 10 साल के लिए एक और पनडुब्बी ली और इसे भी INS चक्र नाम दिया गया था। INS चक्र 2 की लीज साल 2022 में खत्म हो जाएगी। भारत फिलहाल इसकी लीज को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। INS चक्र 3 की डील ऐसे समय में फाइनल हुई है जब भारत और रूस ने इंडियन आर्मी के लिए देश में ही AK-203 असॉल्ट राइफल्स के उत्पादन से जुड़े एक प्लांट को भारत में ऑपरेशनल किया गया है।